तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, पबजी के यार वर्जन में एक बिल्कुल न्यू इवेंट आया है जिसका नाम है ओएसएस फ्रेश, ठीक है। एंड गाइस, इस इवेंट का सीन क्या है, अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते हो, समझ करते हो, आपको फ्री में ढेर सारे इमोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बट वो जब तक जब तक वो ड्रिंक रहेगा तब तक उस इमोट का असर रहेगा। तो मैं आपको लिटरली समझा दूं यहां पे। तो अगर आप नीचे इवेंट के बगल में एक बैनर चल रही है, अगर आप बैनर को स्क्रोल करो तो यहां पे आपको एक ओएसएस फ्रेश या फ्रेश जो भी थी, फ्रेश थी आई थिंक, या फ्रेश थी, ओएसएस फ्रेश नाम की एक इवेंट है, आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस, आखिर सीन क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने हैं, फिर इनको आप जेंटली सेक कर सकते हो या क्विकली सेक कर सकते हो। सेक बनाकर आपका जब ड्रिंक तैयार हो जाएगा तो उस ड्रिंक को आप चेयर पार्क में नहीं तो क्लासिक मोड में जाकर यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको इंग्रेडिएंट कैसे मिलेंगे, कैसे सेक करने, मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर वैसे चार इंग्रेडिएंट रहते हैं, बट यहाँ पे अभी मेरे पास तीन है और मुझे तीन का ही काम है, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर दो इंग्रेडिएंट चूज कर लेता हूँ कोई सा भी, ठीक है, मैंने चूज कर लिया, ओके, एंड एक ये सभी इंग्रेडिएंट मैंने चूज कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या होता है, हमेशा इंग्रेडिएंट को सेक करने के लिए तीन, मतलब किसी भी सिरप को सेक करने के लिए हमें यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट चाहिए एंड एक आइस का क्यूब चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट पहले से ही पड़े होंगे, आपके पास भी पहले से ही पड़े होंगे, आप जाके चेकआउट करो। एंड यहाँ पे हमें फ्री में एक आइस का क्यूब भी मिल रहा था, आपको बस उस पर सिंपल इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्या, सेक जेंटली एंड सेक क्विकली, तो मैं सेक क्विकली पर टैप करता हूँ तो ये जल्दी जल्दी सेक हो जाएगा। एंड सेक होने के बाद हमें यहाँ पर एक सिर्फ बनाकर दे देगा, मीन्स यहाँ पे मैं एक जूस वगैरह जो भी है, इसका नाम क्या है, जिंजर मैजिक, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक ड्रिंक मिल चुकी है एंड ये वाली ड्रिंक यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ओके। अब गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अब कोई सा भी इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे मैं ड्रिंक बना सकूँ, अब इस ड्रिंक का यूज क्या करना है, ओके। तो अब मैं आपको इसका यूज दिखाता हूँ। इसका यूज आप जाकर चेयर पार्क में कर सकते हो, नहीं तो जाकर क्लासिक मोड में कर सकते हो। तो गाइज, अभी मैं फिलहाल क्लासिक मोड में जाता हूँ और एक बार इसका यूज करके दिखाता, ओके, सो कीप वेट। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे स्पॉन आइलैंड में आ चुका हूँ एंड ये मेरा प्यारा सा थोपरा जो भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हमारा एनर्जी ड्रिंक रहता है वहाँ पे भाई वो वाली सिरप आ चुकी है। अगर उस पर मैं टैप करता हूँ एक बार तो यहाँ पर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक पर आएगा टैप एंड इसके साथ मुझे फ्री में एक इमोट मिल जाएगा, कतई तगड़ा वाला। आप देख सकते हो गाइस, मैं बिल्कुल फ्री में इमोट कर रहा हूँ। एंड गाइस, ये ड्रिंक कब तक वैलिड है, मैं आपको सिंपली वो भी बता देता हूँ ये कब तक वैलिड है। मीन्स जब मैं आपको बता दूँ, जैसे आप चेयर पार्क में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, आप इसको इन्फिनिटी टाइम यूज कर सकते हो। बट जैसे अगर मैं आपको अभी गेम से एग्जिट हो जाता हूँ, नहीं तो भाई कतई लंबा चला जाएगा। तो इसी तरह आप ड्रिंक बनाकर इसको क्लासिक मोड में यूज कर सकते हो फ्री में, और चेयर पार्क में भी बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फिर से इवेंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपका जो ऊपर में ड्रिंक एडेड था वो चला जाएगा, बट आपको ये वाला ड्रिंक अभी भी यहाँ पे रहेगा। मीन्स आप इस ड्रिंक को जितना मन उतना यूज कर सकते हो आई थिंक। एंड गाइस, उसके बाद एक और सीन क्या है कि जैसे आपने एक ड्रिंक बनाई तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, फिर आपने दूसरी ड्रिंक बनाओगे तो थोड़ा सा ये और बढ़ेगा, फिर जब तीन ड्रिंक बना लोगे तो आपको फ्री में यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए एक बैकपैक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर आप 5 ड्रिंक बनाते हो तो स्क्रैप कूपन मिलेंगे, 15 बनाओगे तो क्रेट मिलेगा, 1 और 20 बनाओगे तो 2 डन गैस को मेडल, एंड 25 बना लोगे तो भाई आपका फाइनल रिवॉर्ड वहाँ पे मिल जाएगा। एंड का जब सीन क्या आता है कि हम जो ड्रिंक बनाएंगे उसके इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे, तो अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन जाके पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जो आइस मिलता है वो हमें चेयर पार्क विजिट करने से मिलता है। मगर आप हम चेयर पार्क में जाएंगे तो वहाँ हमें बिल्कुल फ्री में आइस मिल जाएगा। बेसिकली हमें वहाँ पे या तो टाइम स्पेंड करना है, नहीं तो वहाँ पे भाई ड्रॉप होके, मुझे लगता है कि वहाँ पर ड्रॉप होकर हमें उठाना पड़ेगा, मुझे लगता है सिंपली वहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइस एडेड हो जाएगा, ओके। एंड गाइस, अब बात करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप थर्ड नंबर में साफ साफ देख सकते हो कि जो हमारा सिरप है, ठीक है, उसका हाई चांस कहाँ है मिलने का, तो जो सिरप है उसका हाई, मतलब सिरप जो इंग्रेडिएंट है उसका हाई चांसेस है मिलने का क्लासिक मोड में, मीन्स क्लासिक मैप है, मतलब मैप वगैरह में, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर क्या खेलते हैं, हायर चांस टू गेट बिटर्स, अगर हमें बिटर्स चाहिए तो हमें वो लिविक मैप में मिल जाएगा, जूसेस चाहिए अगर हम टीमिंग अप वाला चीज यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे जूसेस मिल जाएंगे, प्लस अगर हम वहाँ पे क्या बोलते हैं अपनी रैंक को बढ़ाते हैं तो हमें फ्री में चिली वगैरह मिल जाएगा। मीन्स हमें सिंपली क्लासिक मोड में कोई सा भी मैप खेलो आपको रैंडमली कोई ना कोई इंग्रेडिएंट मिलते रहेंगे। एंड आइस के लिए आपको बस चेयर पार्क विजिट करना है, एंड गाइस विजिट करने के बाद जैसे ही आपको इंग्रेडिएंट्स एंड ये सेक मिल जाता है, मतलब आइस, उसके बाद आप जैसा मन वैसा सेक करो, क्विकली सेक करो या जेंटली सेक करो, एंड सेक करने के बाद आपको ड्रिंक मिलेगी, उस ड्रिंक को आप चेयर पार्क में यूज कर लो या आप क्लास
क्लासिक मोड में यूज कर लो इमोट के लिए, और आप जितना ज़्यादा ड्रिंक बनाओगे आपका उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा ये वाला सीन। एंड आपको फ्री में वहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पहली बात तो ये, एंड आपको फ्री में तो इमोट्स मिल ही रहा है। तो गाइज आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस यही है इवेंट है, बहुत ही नॉर्मल। अगर आप नहीं समझो तो फिर से बैठ के एक बार आराम से वीडियो को देखो, आपको यकीन मानो समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो में कोई सा भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर पूछो, अगर मेरे को टाइम थोड़ा भी मिलेगा क्लासेस से तो मैं आपको पक्का रिप्लाई देकर बता दूंगा, ठीक है। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो दिस इज ट्रैवल एंड आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।